तो आज से 5 से 6 साल पहले मैं हमेशा ये ड्रीम करता था कि एक ऐसा डिवाइस हो जो मेरे हाथ पे हो, पर वो एक पूरे फोन की तरह काम कर सके, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों से बातचीत कर सकूँ, जहाँ पे मैं गेम्स खेल सकूँ, कभी भी किसी को फोन लगा सकूँ, और साथ ही साथ कभी भी इंटरनेट की चीजें मुझे यूज करनी हो तो मैं हाथ पे ही इस्तेमाल कर सकूँ। तो फाइनली वो ड्रीम आज फायरबोल्ट फुलफिल कर रहा है उनकी फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच के साथ। तो ये वॉच के बारे में आपने इंटरनेट पे काफी कुछ देखा होगा, ये वीडियो इसके डिटेल के ऊपर है कि क्या कुछ फीचर्स हैं आपको मिलते हैं और कितने ज्यादा ये इंपैक्टफुल वॉच और क्या आप लोगों के लिए वैल्यू जनरेट करती है। फटाफट से बातचीत शुरू कर लेते हैं, बट उससे पहले सभी को इंद्री भाई की राम राम। डब्बा खोल के देखेंगे पहले कि आपको क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डब्बे आपको मस्त ब्रांडिंग कर रखी है, ड्रीम एंड्रॉइड 4G LTE वाईफाई करके टैगलाइन लगा दे रखी है, टिक्स विद द फायर ओएस। साइड में कुछ की हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगे डिवाइस रिलेटेड। कंटेंट पैकेज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी आपकी मेन वॉच, साथ में मिल जाएगा आपको स्ट्रैप, और साथ में आपको यहाँ पर चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी जो कि फ्लैट वायर्ड वाली केबल है, बाकी है वो पोगो पिन वाला ही कनेक्शन, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। बाकी इसके अलावा आपको सारे पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट पेपर वर्क है वो है आपका वारंटी का 1 साल का, जिसको आप रजिस्टर जरूर से कर लेना। बाकी अगर आप गिफ्ट कार्ड वगैरह क्लेम करना चाहते हैं फायरबोल्ट के तो वो आप कर सकते हैं, बट मैं बात करूंगा यहाँ पे सीधे वॉच को लेकर। अब नॉर्मल वॉचेस तो आपने बहुत यूज कर रखी है, और डिजाइन और स्ट्रक्चर के मामले में ऐसा उनसे कुछ अलग नहीं है, सिमिलर आपको डिजाइन देखने को मिलता है, मतलब मस्त ग्लॉसी सा फिनिश कर रखा है, टॉप पे आपको कर्व ग्लास दे रखा है, साइड की जो फ्रेम है वो आपको पूरी मेटलिक देखने को मिलती है, रोटेटिंग क्राउन भी प्रोवाइड कर रखा है, नीचे आपको एक पुश बटन दे रखा है, बॉटम आपके सेंसर वगैरह, और साइड में आपको यहाँ पे जो है स्ट्रैप प्रोवाइड कर रखे, मैग्नेटिक वाला स्ट्रैप है जो कि आपने एप्पल की वॉचेस में देखे, वैसा ही सिस्टम आपको पूरा नॉर्मल वॉच की तरह देखने को मिलता है। मैं वॉच में साइज को लेकर बात करूं तो जैसा कि आप मेरी रिस्ट पे देख पा रहे हैं काफी ज्यादा सूटेड है, मतलब अगर आपकी थिन रिस्ट है या फिर मीडियम रिस्ट है दोनों के हाथ पे काफी अच्छी लगने वाली है, और अगर ब्रॉड रिस्ट वाले हैं तो फिर तो डेफिनेटली उनके लिए तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, उनके हाथ पे तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है। मेल फीमेल दोनों इस वॉच को परचेस कर सकते हैं, दोनों के लिए ही काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। बट मेन जो इसका USP है, जो मेन इसकी चीजें हैं, उस पर आने से पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर बात करूंगा कि वो ही सबसे मेन कंसर्न होता है। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले इन्होंने यूज कर रखा है वो यूज करा है 2.02 इंच का, यानी कि लगभग आपको जो है 2 इंच से ऊपर का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल IPS पैनल है, यहाँ पे AMOLED वगैरह का यूज नहीं कर रखा है, बट ये जो पैनल है नॉर्मल वाले पैनल से आपको थोड़ा बेहतर मिलता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, इन टर्म्स ऑफ कलर्स और पिक्सल्स वगैरह जो है आपको यहाँ पर बेहतर नजर आएंगे। अब ब्राइटनेस को लेके मैं बात करूं डिवाइस में, तो ब्राइटनेस आउटडोर के हिसाब से थोड़ी सी कम लग सकती है आपको अगर एक्सट्रीम सनलाइट है, नॉर्मल वेदर है और नॉर्मल सिनेरियो है, मतलब क्लाउडी डे है, तो आप इस वॉच को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो डिस्प्ले से ऐसा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, यहाँ पे आपको वेगेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, और वॉच फेसेस वगैरह आपको जो भी लगाना है, क्योंकि एक एंड्रॉइड वॉच है तो आपको यहाँ पर एम्पल नंबर ऑफ वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। मैंने तो पर्सनली मेरा खुद का फोटो लगा रखा है क्योंकि वो काफी अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर रखा है। अब फिजिकली जब वॉच को यूजेज के लेके बात करते हैं, क्योंकि ये देखो वॉच है एंड्रॉइड के साथ पैक्ड अप है, एंड्रॉइड 8.1 आपको इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 GB की रैम है और 16 GB की आपको स्टोरेज यहाँ पर मिलेगी, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी है, यानी कि 2 GB की जो रैम है वो आपके स्मार्ट वॉच के हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्म देते हैं, वैसे इसको स्मार्ट वॉच नहीं, ये लोग वेयरेबल स्मार्टफोन बुला रहे हैं, तो हाँ ये वेयरेबल स्मार्टफोन जो है इसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इन्होंने जो प्रोसेसर यूज कर रखा है उसको एज सच डिटेल मेंशन नहीं है, बट मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, 2 दिन से वॉच को पहन रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके डे टू डे जो इजी टास्क हैं वो फुलफिल कर लेता है, लैग उतना नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरी तरह की वॉचेस में जो आपने नोटिस करी होंगी, तो स्मूथ परफॉर्म करती है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको जो 16 GB की स्टोरेज दे रखी है उसको आप मीडिया स्टोरेज के तौर पर तो यूज कर ही पा रहे हैं, आप एप्लीकेशन बहुत सारे इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको जो है PC से कनेक्ट करके इसमें फोटोज वगैरह भी डाल सकते हैं, इसमें आपने वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, और भी अगर आपको म्यूजिक वगैरह ऐड करना है तो वो आप उसको PC से कनेक्ट करके कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको फैसिलिटी जो है उन्होंने दे रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, देखो आपने वॉचेस बहुत सारी देखी होंगी, अब कुछ वॉचेस आती हैं जो बिल्ट इन स्टोरेज के साथ में आती है जहाँ पर आप गाने वगैरह डाल सकते हैं, बट यहाँ पर आपको उस चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये वॉच जो है 4G LTE सपोर्ट करती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि वाईफाई से आप इसको 2.4 GHz 5 GHz पर कनेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 2.4 GHz पर कनेक्ट करता है, तो अगर आपके घर में लोकल वाईफाई है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, बाकी अगर आपने सिम लगा रखी है तो सिम इसमें बहुत ईजी लगाना, इसमें आपको फिजिकल सिम का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पर दूसरे ब्रांड्स eSIM वाली स्मार्ट वॉच लेकर आ रहे हैं वहाँ पर ये वॉच आपको फिजिकल सिम सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपकी छोटी सी नैनो सिम यहाँ पर जो है साइड की ट्रे निकालोगे उसमें लग जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पर 4G LTE एनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अच्छी बात लगी मुझे कि आपको पर्टिकुलर सिम में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर आप आइडिया यूज करें तो आइडिया यूज करें, या फिर जियो है तो जियो, या फिर आपके पास जो सिम है आप यहाँ पर लगा सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं बात कर रहा था यहाँ पर स्टोरेज को लेकर, अब देखो क्योंकि ये बिल्ट इन, यहाँ पे आपको ऑनलाइन म्यूजिक वगैरह सुनना हो,
आप जबरदस्त तरीके से सुन सकते हो। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा, मैं जिम में लेके गया ना, तो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि मेरे को फोन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं अपने वेरिएबल स्मार्टफोन को लेके गया और मैंने इसी से अपने ईयरबड्स को कनेक्ट करा, ब्लूटूथ यहाँ पे दे रखा है, मैंने ईयरबड्स कनेक्ट करे और मैं प्रॉपर जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं है कि मुझे फोन कैरी करना है या मुझे दिक्कत हो रही है। प्लस मेरे यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग भी हो रही है, तो आपकी पूरी हेल्थ ट्रैकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन भी दे रखी है ताकि आप मोबाइल से कनेक्ट करके भी डिटेल्स वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आपकी जो सेंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, ऐसे HR एक्सीलोमीटर सेंसर है, एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच की तरह तो ये काम करती है, बट ये वेरिएबल स्मार्टफोन वाला फंक्शन भी फुलफिल करती है। अब रही बात यहाँ पे प्ले स्टोर का सपोर्ट, आपको मिल जाता है, प्ले स्टोर से आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने की एसेंशियल एप्स डाउनलोड कर रखे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम काफी यूजफुल है, वो मुझे जरूरत थी तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। व्हाट्सएप भी चल जाता है और इंस्टाग्राम की रील तो यार इसमें बहुत प्रॉपर दिखती है क्योंकि ये फुल स्क्रीन हो जाता है। इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन पे काफी अच्छा वर्क कर रखा है और UI जो है मुझे पर्सनली अच्छी लगी इसकी। मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्वाइप अप करोगे ऊपर से, तो आपको जो बेसिक लेआउट होता है ना एक फोन की तरह, जहां पे आपके सारे टॉगल्स बटन दिए रखे होते हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी का, DND मोड का, एयरप्लेन मोड डालने का, वो आपको यहाँ पर दे रखा है। और जैसे आप ओपन करोगे देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर सारी चीजें चलती रहेगी, नोटिफिकेशन वगैरह भी प्रॉपर आती है, नोटिफिकेशन की रिंगटोन वगैरह भी चेंज होते हैं, तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बिल्कुल आपको एक फोन की तरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बात की ना कि यहाँ पे आप सारी चीजें डालते हो, जैसे अगर यूट्यूब चलाना है आपको तो यूट्यूब इसमें प्रॉपर प्ले हो जाता है, इवन फुल स्क्रीन भी हो जाता है, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं आने वाली कि आप यहाँ पे यूट्यूब को प्रॉपर तरीके से चला नहीं पा रहे। हाँ ये है कि थोड़ा सा प्रिसाइस टच आपको करना पड़ेगा और टच रिस्पॉन्स मुझे बढ़िया लगा। मोस्टली इन तरह की वॉचेज में ना टच रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक करता है, क्योंकि आपको बहुत छोटी चीजें दिखती हैं, अगर उसको जूम करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलता है। इवन इस वॉच में टाइपिंग भी काफी ईजी हो जाती है, रिस्पॉन्स एकदम एक्यूरेट है। अब जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे व्हाट्सएप चला रहा हूँ और व्हाट्सएप मुझे किसी को मैसेज भेजना है, तो मैं उसको प्रॉपर यहाँ पे मैसेज टाइप करके भेज सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और ईजीनेस ये है कि आप छोटी से छोटी चीजें आपकी वॉच में दे सकते हो, और जिसका रोटेटिंग क्राउन है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंटरेक्ट करता है इसके साथ में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस ये जो रोटेटिंग क्राउन है इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स में आपको यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रखे। नीचे का जो बॉटम बटन है वो आपके मेन स्क्रीन पे जाने के लिए बटन दे रखा है, यानी कि मेन आपका जो पेज है उस पे ये चले जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऐप डाउनलोड करने का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप यहाँ पर वीडियोस वगैरह भी प्ले कर सकते हो, आपको प्ले म्यूजिक प्लेयर प्रोवाइड कर रखा है, गैलरी प्रोवाइड कर रखी है, फाइल मैनेजर भी आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आप एप्लीकेशंस वगैरह हमें प्रॉपर इंस्टॉल भी कर पाओगे और देख भी सकते हो प्रॉपर से, उनको मैनेज भी कर सकते हो। और स्पेशली ना मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट वगैरह रीड करना काफी एसेंशियल रहता है, कभी अगर हमें ऐसा कुछ होता है कि छोटी मोटी चीजें जो रीड करनी है, तो हम लोग हमारी वॉच भी रीड कर सकते हैं, हमारे फोन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और ये मुझे पर्सनली कुछ यूज केस सिनेरियो लगे जहां पे इसका यूज बढ़ जाता है। अगर आप कुछ ऑर्डर वगैरह करना चाहते हो स्विगी वगैरह से, जोमेटो वगैरह से, तो आप अपनी वॉच से ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही जैसे म्यूजिक वगैरह प्ले करना है कुछ आपको रैंडम कैजुअल, तो आप यहाँ पे जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक, जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे इंस्टॉल करके उसे म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो। मैसेज करना हो तो मैसेज करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है, आप मैसेज वगैरह किसी को भी भेज सकते हो। नॉर्मल जो फोन वाले फंक्शनैलिटी वो फुलफिल करता है। अब यहाँ पर कुछ USP जो मुझे लगी कि इसमें गेम्स का सपोर्ट भी मिल रहा था और गेम स्मूथ चल रहे हैं। हाँ, अब नो डाउट आप हेवी गेम्स में ना जाएं, जैसे कि BGMI वगैरह हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम, वो ऑब्वियसली इस वेयरेबल स्मार्टफोन में नहीं चलने वाले। अगर आप बेसिक गेम्स खेलना चाहते हैं, जैसे कि सबवे सर्फर खेलना चाहते हैं, टेम्पल रन खेलना चाहते हैं, तो छोटे मोटे गेम इसमें काफी स्मूथली चल जाते हैं। ये जो फोन है जहाँ पे लोग ये कैंडी क्रश वगैरह वैसे गेम खेलते थे, वो हम लोग हमारे हाथ में खेल पाएंगे इस वॉच के थ्रू। तो ये चीजें मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी और परफॉर्मेंस टर्म्स ने मुझे कहीं ना कहीं इंप्रेस किया। हाँ, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ कि आप इसको GPS नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि गूगल मैप्स इसमें प्रॉपर चलते हैं और ये चीज काफी ईज हो जाती है। क्योंकि हम लोग हमेशा ड्राइव करते हो, टू व्हीलर पर ड्राइव कर रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बार बार फोन निकाल के लोकेशन चेक करते, अब वो जरूरत नहीं। आप ड्राइव करते करते अपनी वॉच पे चेक कर लिया कि हाँ आपको लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना है, तो ये कहीं ना कहीं ईजीनेस को बढ़ा देता है। तो इन पर्सपेक्टिव से अगर वॉच को देखें तो फीचर्स कहीं ना कहीं एंड्रॉइड वाले आपके बड़े काम में आने वाले। अब बाकी थोड़े बहुत एसेंशियल चीजों को लेकर बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो आपको जो बेसिक वॉच वाले फंक्शन जो नॉर्मल स्मार्ट वॉच आती थी उसके फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, फ्लैश लाइट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल वॉइस रिकॉर्ड्स भी कर सकते हो। कहीं आप मीटिंग में बैठे हैं, कुछ ऐसा हीट कॉन्वर्सेशन हो गई है या कोई इशू आपके साथ हो गए हैं, तो वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ आपको किसी का सामने वाले का इंपॉर्टेंट नोट रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड में उससे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपका सेव रहता है और जब चाहे आप उसको रीप्ले कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉलिंग वाली चीज को लेकर बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपको सिम का कनेक्टिविटी मिलता है, तो आप यहाँ पे फोन कॉल लगा सकते हो। आपको नंबर याद है तो आप नंबर से लगा लो, इवन आप इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो भी आपके ऐड है आप डायरेक्ट उसको हिस्ट्री में लगा सकते हो। तो मैंने कि वो सारी चीज़ें हैं, और बिल्कुल आपको ने गूगल का अगर कॉल वाला देखा होगा ना जो फोन्स आते हैं, वैसा ही कुछ इसका UI है और प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। डायल पैड भी दे रखा है और फटाफट से कॉल लग जाता है। और कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसी है वो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हेलो,
हाँ भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? बढ़िया यार। अभी ना अपन एक नया फोन लिया है जो कि हाथ में पहन सकते हैं। अच्छा, सही है सही है। तैयारी ना, बस सही है, एक नंबर आ रही है, मस्त आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके वेल प्ले स्टोर दे रखा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे वेब ब्राउजर के थ्रू आप और भी दुनिया भर की चीजें यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और चैट जीपीटी इतनी चीज आप अपनी वॉच में यूज कर सकते हो, और ये प्रॉपर फुल फ्लैजेड चैट जीपीटी चलता है। जो अभी बहुत सारी जो वॉचेस बीच में आई थी वो क्लेम कर रही थी, बट वो कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती थी, बट ये वेरिएबल स्मार्टफोन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। चैट जीपीटी इसी AI वाले फंक्शन भी आप यहाँ पर वॉच में यूज करने वाले। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको सेटिंग्स वाले सेक्शन में ले चलता हूँ, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली। अब सेटिंग्स सबसे आपको नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली चीजें मिल जाएंगी, जहां पे आप वाईफाई की सेटिंग्स वगैरह, मोबाइल नेटवर्क वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में ब्लूटूथ वाली कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो यहां पर ब्लूटूथ आप ऑन करके एनेबल कर सकते हैं। जितनी भी आपको डिवाइस कनेक्ट करना है, आप मल्टीपल डिवाइस यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल फोन की तरह। डिस्प्ले में आपको यहां पे ब्राइटनेस कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, स्लिप का ऑप्शन दे रखा है। क्राउन रोटेशन की जैसे मैंने बात करी थी, अगर आपको क्राउन रोटेशन को जनरल रखना है या वीक रखना है, तो जैसे आप क्राउन को रोटेट करते हो तो यूआई एकदम से मूव कर जाती है, तो यहां पर आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको सेट कर सकते हो। इवन आपको यहां पर एडवांस ऑप्शन में सारी चीजों का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे जो मार्जिन श्रिंकिंग वाली चीज है ना, ये पर्सनली आपके डिवाइस को मतलब यूजफुल बनाती है। तो क्या होता है कि हम लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह खोल रखा है या इंस्टाग्राम वगैरह खोल रखा है, तो वो क्रॉप नहीं हो पाता है, मतलब आपको प्रॉपर दिखता है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो है UI को उस तरीके से ट्वीक कर रखा है। एक प्रॉपर वॉच की तरह आपको यहाँ पर सारी चीजें नजर आ जाती है। बाकी यहाँ पे साउंड वगैरह का ऑप्शन आपको दे रखा है, साउंड वगैरह में जाके अपनी खुद की फेवरेट रिंगटोन वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखी है, तो आप भी अपनी ऐसी फेवरेट रिंगटोन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। अलार्म वगैरह की रिंग आप चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन जो एक फोन वाले हैं वो आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन दे रखा है। ऑडियो प्रोफाइल दे रखी है, जनरल में रख सकते हो या फिर साइलेंट पर रखना तो वो कर पाओगे। स्टोरेज ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कितनी स्टोरेज खाली है। तो यहाँ पर मैंने जो 16GB में से 6GB यूज़ कर लिया, एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर ली काफ़ी सारी, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी इसके अलावा मैं आपको ऐप्स नोटिफिकेशन मैनेज करने का ऑप्शन दे रखा है, डिवाइस सिक्योरिटी का ऑप्शन भी दे रखा है, इवन आपको यहाँ पे गूगल का सपोर्ट दे रखा है, तो गूगल असिस्टेंट वगैरह आप इसमें एनेबल करना चाहते हैं तो ये और भी ईज हो जाता है। आप कमांड देकर भी यहाँ पर जो है वॉच से चीज़ें करा सकते हैं। ये फंक्शन मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। अब मोर सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह दे रखा है। बैटरी को लेकर मैं आप बात करना चाहूँगा, मेन कंसर्न हो जाता है इस तरह की स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस में। अब 800mAh की बैटरी उन्होंने लगा रखी है, और पर्सनली यूजेज के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको मैक्स टू मैक्स 8 to 10 hours यूज कर सकते हैं, यानी कि 8 से 10 घंटे आपका वेरिएबल डिवाइस चलने वाला है अगर आपने इसको एक बार फुल चार्ज कर लिया है तो। अब आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें। पर्सनली अगर आप इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस देख रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा, ये डेफिनेटली एक सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है, जहां पर इसमें आपको पावर सेविंग मोड प्रोवाइड कर रखे हैं। अब इस पावर सेविंग मोड से आप इसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो, ये मान के चल सकते हो कि आपको 1.5 दिन तक का परफॉर्मेंस, यानी कि 2 दिन तक का परफॉर्मेंस भी मिल सकता है अगर आप इसके फुल पावर सेविंग मोड को ऑन कर लेते हो, जहां पे आप कॉल वगैरह कर पाओगे, आप मैसेज वगैरह रीड कर पाओगे, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो आप यहां पे यूज कर पाओगे, बट एक प्रॉपर जो एंड्रॉइड वाले फंक्शंस हैं वो आप यहां पर यूज नहीं कर पाओगे। बाकी जैसे कि सिस्टम दे रखा है, सिस्टम में आपको लैंग्वेज इनपुट, डेट वगैरह और जो वॉच है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 8.1 एंड्रॉइड पे वर्क कर रहा है, 2GB रैम है, 4 कोर पे ये वर्क कर रहा है। यहां पे पूरी आपको इंफॉर्मेशन, IMEI नंबर वगैरह सब देखने को मिल जाएगा, तो ये आपके फ्यूचर पर्पस के लिए कहने के इंपॉर्टेंट है, तो वो डिटेल्स आपको यहां पर अवेलेबल कर रखिए। तो अब फाइनल कंक्लूजन को लेकर मैं बात करूंगा कि ये जो वेरिएबल स्मार्टफोन है ये आपके लिए पर्सनली कितना काम का है। अब जो प्राइसिंग रखी है ब्रांड ने वो रखी है बहुत ही रीजनेबल, यानी कि 6000 रुपीज के प्राइस में ये वॉच आपको मिल जाती है, जो इसकी लॉन्च प्राइसिंग स्टार्टिंग प्राइस है, बाद में प्राइसिंग शायद बढ़ भी सकती है। पर अब इस प्राइसिंग पे आप दूसरे स्मार्ट वॉचेस पे नजर डालते हो तो आपको बेसिक वॉचेस देखने को मिलती है, वो भी लगभग आपके 2 से 3 दिन चलती है, यूजर्स में नहीं आ पाती है। अब ये चीज जो है एक है तो स्मार्ट वॉच की तरह ही, बट आपको फोन वाले फंक्शन प्रोवाइड कर देती है, तो मेरे हिसाब से इसको आप प्राइमरी नहीं, अगर आप सेकेंडरी डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वॉच की जगह इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एक प्रॉपर फोन की तरह। और यहाँ पर फायरबोल्ट ने वैसे भी आपके कलर ऑप्शंस बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको ऐसा नहीं कि एक ही सिंपल कलर दे रखा है, डिफरेंट सारे कलर्स और स्ट्रैप्स में आपको ये देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये वॉच इंटरेस्टिंग लग रही है, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जोर से कर देना, और कोई सवाल है मन में आपके डाउट रह गए हो कि भाई खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और पैसे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जो भी सवाल है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी इतने कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो, चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिडन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।